वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर क्वेटा पहुँचेंगे। कोरोना वायरस से मुतालिक इजलास की सदारत करेंगे। सिविल और BMC अस्पताल में सख्त सिक्योरिटी के इंतजामात। वज़ीर-ए-आज़म तहरीक-ए-इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के वफ्द से भी मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान के लिए बहुत सी खुशखबरियां। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कोरोना की प्लाज्मा थेरेपी के क्लिनिकल ट्रायल्स की इजाजत दे दी। मुआविन खसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा के मुताबिक ड्रैप ने क्लोरोक्विन के खाम माल की मकामी तौर पर तैयारी की इजाजत दे दी। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के तैयार करदा वेंटिलेटर का भी टेस्ट किया जा रहा है। 50 से ज्यादा कंपनियां 3 माह के लिए हैंड सैनिटाइजर भी बनाएंगी। मुशीर खजाना हफीज शेख की जेर सदारा TCC इजलास में अहम फैसले। इक्तिसादी राबता कमेटी ने रमजान में अवाम को सस्ते दामों अशियाए जरूरिया की फराहमी के लिए 2.5 अरब रुपए का रमजान पैकेज मंजूर कर लिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर 19 अशिया पर सब्सिडी देने का फैसला। खाने पीने की अशिया 15 से 20% सस्ती मिलेंगी। चीनी 67 रुपए की 170 रुपए फी किलो मिलेगा। आटे चावल दालों खजूरों मशरूबात बेसन दूध चाय और मसाला जात पर भी रिलीफ मिलेगा। 17 अप्रैल से रमजान पैकेज पर अमल दरामद होगा। TCC ने बिजली सार्फिन को रिलीफ देने से मुतालिक समरी पर फैसला 9 अप्रैल तक मुखर कर दिया। बिजली बिल अदायगी मुखर करने फ्यूल एडजस्टमेंट और सनती सार्फिन के लिए टैरिफ में कमी समेत 185 अरब का रिलीफ देने की तजवीज़ है। एहसास प्रोग्राम के तहत रकूम की तरसील पर 30 जून तक टैक्स छूट की मंजूरी। यूथ बिजनेस लोन के लिए 84 करोड़ की सब्सिडी समेत दीगर ग्रांट भी मंजूर कर ली गयी। कार के केस में लीगल फीस की अदायगी के लिए $1.5 मिलियन की सप्लीमेंट्री ग्रांट की भी मंजूरी दे दी गयी। उस्मान बुज़दार तब्दीली का नाम है। उस्मान बुज़दार आपके चीफ ये चीफ मिनिस्टर सादा आदमी है। मुझे लगता है यहाँ भी इंशाल्लाह हमारा वसीम अकरम निकलने वाला है। इमरान खान लाहौर गवर्नर हाउस में तकरीब से खिताब करने आए तो एक बार फिर वजीर आला पंजाब की तारीफ की। मैं उस्मान बुज़दार आपको खास तौर पर कहना चाहता हूँ की बड़ी अच्छी रिपोर्ट आ रही है पंजाब में के बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से आप ये काम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म तो वसीम अकरम प्लस की तारीफ करते ही रहते हैं, मगर इमरान खान ने कभी वज़ीर-ए-आला सिंध की तारीफ नहीं की। पीपल्स पार्टी अक्सर इसका शिकवा करती रही है। समा से गुफ्तगू में सईद गनी ने कहा, शाबाश मिले ना मिले अपना काम करते रहेंगे। हम सब अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं और हमारे जिम्मे जो काम है आवाम की खिदमत का वो कर रहे हैं। अगर वजीर आजम साहब तारीफ नहीं करते हैं, बुज़दार साहब की करते हैं, अल्लाह उनको खुश रखे। सईद गनी का मजीद कहना था, सिंध हुकूमत अपनी जिम्मेदारी अदा कर रही है। कौन कितना काम कर रहा है दुनिया देख रही है। लॉकडाउन में भूख ने मेहनत कश के घर डेरे जमा लिए। रोजगार बंद, घर का चूल्हा ठंडा पड़ने से बच्चे फाका कशी पर मजबूर। मुल्तान का रिहायशी मोहम्मद अरसलान दिन भर काम की तलाश के बाद खाली हाथ घर लौटा तो खाली पेट मासूम बच्चों के उदास चेहरों ने इसकी अजियत में मजीद इजाफा कर दिया। गरीब आदमी है, मेहनत मजदूरी करते हैं, 10-12 दिन हो गए हैं, कोई काम धंधा नहीं लग रहा। घर में खाने को रूखी सूखी रोटी भी ना मिली तो नन्हे बच्चों ने चाय और पानी पीकर अपनी भूख मिटाई। हुकूमत कहती है कि जी हम आपको राशन देंगे, सब कुछ देंगे, घर बैठो सुकून करो, घर से बाहर नहीं निकलना, वायरस है, ये है, वो है। अब बच्चे तो खाने को मांगते हैं ना, कोई राशन नहीं मिला, कोई कुछ नहीं मिला। मजदूर तबके का कहना है कि मुश्किल की इस घड़ी में दावों की बजाय अमली तौर पर मुस्तहिक अफराद की मदद की जाए। अपने बच्चों को भूखा देख कर अरसलान बेबसी की तस्वीर बना, आज भी हुकूमती इमदाद का मुंतजर है। कैमरामैन अकुल खोकर के साथ आसिफ अलौत, समा, मुल्तान। हैदराबाद के काबिल नौजवान का कारनामा। शहरियों को कोरोना के वार से बचाने के लिए एंटी बैक्टीरियल शावर बना लिया। जरासीम को शावर से गुजर कर जाने वालों को किसी भी सैनिटाइजर के इस्तेमाल की जरूरत नहीं। आजमाइशी तौर पर तैयार किए गए शावर को मस्जिद में लगाया गया है। जो लोग ये सैनिटाइजर और ये चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते, जैसे गरीब लोग हैं, बहुत सारे हैं जो नहीं यूज़ कर सकते, नहीं परचेज कर सकते, तो उनके लिए ये कि जहाँ पे ये बूझ लगे हो वहाँ से ये गुजर जाए, तो ये है कि आपका सेफ्टी हो सकती है। शावर की तैयारी में प्लास्टिक के पाइप और लोहा इस्तेमाल किया गया है। शावर को बिजली से चार्ज करके दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। ये हमारे लिए बहुत बेहतरीन है, अगर गलियों में अगर लग जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। शहरियों का कहना है एंटी बैक्टीरियल शावर शहर के अवामी मकामात पर लगाकर सबको हर तरह के वायरस से महफूज रखा जा सकता है। कैमरामैन कामरान खान के साथ पवन कुमार, समा, हैदराबाद। कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियात जरूरी है। पंजाब हुकूमत की कोशिश से डेरा गाजी खान के बड़े कारोबारी मराकज पर सैनिटाइजर वॉक थ्रू गेट लगा दिए गए।
अहम शहराओं पर हाथ धोने का भी इंतजाम है। सिर्फ इस कल्चर को प्रमोट करने के लिए किया है कि अगर कुछ लोग मजबूरी की हालत में बाजार में आते हैं मेडिसिन लेने के लिए या किसी और डॉक्टर साहब के पास, तो वो वापसी में टाइम वेस्ट किए बगैर अपने हाथों को वहां से धोएं। जरूरी खरीदारी के लिए घरों से बाहर निकलने वालों ने हुकूमती इकदाम की तारीफ की है। काम से आते आके यहाँ पर हाथ धोते हैं, साफ पानी है, चलो कोरोना वायरस होता है वो मर जाता है। पीजी खान में हमारे लिए तरक्की की गया, वजीर आजम की मेहरबानी है, वजीर आला की मेहरबानी है। शहरियों ने बाजारों, सब्जी मंडी और टीचिंग अस्पताल समेत दीगर पर हुजूम मकामात पर सैनिटाइजर, वॉक थ्रू गेट और हाथ धोने के लिए पानी के सिंक लगाने पर इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया है। अख्तर अली समा, डेरा गाजी खान।